हेलो, माय नेम इज़ यूसुफ। आपका नाम? विराट। आप मुझे बता सकते हैं कि आप इस काल कोठरी में आए कैसे? सुनना चाहेंगे आप? हाँ, क्यों नहीं। ये बात पिछले साल की है साहब। मैं अपने कारखाने से घर जा रहा था। रात के 11:30 बज चुके थे। जिस रास्ते से मुझे जाना था वो बड़ी ही सुनसान थी। ना किसी गाड़ी का जाना और ना किसी मुसाफिर का गुजरना। मैं गर्दन झुका के अपने रास्ते जा रहा था घर की तरफ। मेरे घर में 5 सदस्य ऐसा मुझे मिला के। मैं गर्दन झुका के चला जा रहा था। इतने में पीछे से एक बहुत ही दर्द भरी चीख आई। उस दर्द में, उस चीख में बे इंतहा दर्द था। मैंने जब पीछे पलट के देखा तो साहब कोई नहीं था, कोई भी नहीं। मैं फिर अपनी गर्दन झुका के आगे बढ़ता चला गया। मैंने एक सफेद साड़ी में एक औरत को देखा। उसके माथे पर बिंदी, बालों में चमेली का जूड़ा। वो क्या कहर लग रही थी वो साहब। मेरे पास आई, उसने मुझसे कुछ खाने को मांगा। मेरे थैले में एक सेब पड़ा हुआ था। मैंने वो निकाल कर उसको दे दिया। क्या कशिश थी साहब, क्या बदन की खुशबू थी। मुझे लगा नहीं था वो मेरे साथ चलने को घर तक तैयार हो जाएगी। वो मेरे साथ मेरे घर पे चलने को तैयार हो गई। मैं उसके हाथों में हाथ डालकर घर आने लगा। एक मिनट, आपने तो कहा था आपके घर में 5 सदस्य, एक आपको मिला के, यानी घर पर कुल 4 सदस्य, तो आप कैसे ले जा सकते हैं? हाँ, थे तो सही। दीवार, पंखा, चटाई और वो मटका, हुए ना 5 सर। वो जाने मुझे बड़ी ही इस नजरों से देख रही थी, जैसे वो कुछ करना चाहती थी। उसने अपने बदन की साड़ी उतारी, वो सफेद साड़ी। मैंने अपने बदन की शर्ट खोली, पसीने से तर बतर शर्ट। सर्दी के मौसम में भी पसीना आ रहा था साहब। सोचो कैसा कारखाना था। फिर क्या, फिर हम दोनों ने पूरी रात संभोग किया। पूरी रात संभोग किया। इतनी ठंड में भी, नंगे बदन में भी हम दोनों को पसीना आ रहा था। फिर सुबह हुई, आँख खुली तो देखा बिस्तर पर कोई नहीं था। मैंने जैसे ही शीशा देखा, शीशे में मुझे 12 चेहरे नजर आए, 12 औरतों के चेहरे नजर आए। ये वो चेहरे थे साहब, जिनको 2 साल पहले मैंने बलात्कार किया था। क्या करूं साहब, औरत की खूबसूरती पर मेरा दिल आ जाता है। पहले उनको पटाता हूँ, फिर बलात्कार करता हूँ, उसके बाद मार देता हूँ। यही मेरा पेशा है साहब। मैं पागल ना हो जाऊं इसलिए मैं भागता भागता पुलिस के पास आया, क्योंकि मुझे वो 12 चेहरे दिखना बंद ही नहीं हो रहे थे। और आज अब
के सामने काल कोठी में।